वेलकम टू सी एल सी जुडिशियल। यह इंटरव्यू एंड मेन सीरीज का पार्ट 30 है। इससे पहले के पार्ट भी आप जाके देखेंगे, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम लोग यह सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग दो सर्विसेज, एक मेंस एंड इंटरव्यू सीरीज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग वीक में 3 to 5 days एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, उसी टॉपिक से पीटी का, मेंस का और इंटरव्यू का। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते, हवा हवाई के तौर पे नहीं होते। इनमें आपको सोचना पड़ेगा, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तभी आप इन क्वेश्चंस को बना सकते। आजकल जो एग्जाम का ट्रेंड और पैटर्न, कंसेप्ट मोर एंड मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते जा रहा, और अगर आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तैयारी नहीं करेंगे तो एग्जाम में अक्सर देखा गया है कि मेंस में कम नंबर आते या इंटरव्यू में कम नंबर आते। अगर आपके मेंस और इंटरव्यू में कम नंबर आते तो उनका एक ही तरीका है, अगर आपने मेंस कोई लिखा है तो आरटीआई से अपनी कॉपी लें, कहाँ गलतियाँ हुई उन पर विचार करें। और दूसरा तरीका, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे उतना आपका मेंस उतना ही अच्छा से अच्छा होता जाएगा। तो आपके थिंकिंग और कंसेप्चुअल स्किल्स को, रीजनिंग स्किल्स को, लॉजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं। मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछते हैं और शाम को इसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के जरिए आपको दिया जाता है। दूसरा जो हम लोग फ्री सर्विसेज चला रहे हैं, हमारे यहाँ बिहार APO के मद्देनज़र हर संडे इवनिंग में 7 PM में 50 MCQs का जो टारगेट बैच में पढ़ाया जाता है उन्हीं से क्वेश्चन होता। आप कभी टेस्ट दे के देखिए आपका क्या परफॉर्मेंस होता है उस टेस्ट में, खुद ही अपना असेसमेंट कीजिए। अगर आप हमारे इन दोनों फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते तो कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप CLC जुडिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। PT का एक क्वेश्चन पूछा गया है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, अबेटमेंट कैन बी कॉज बाई साइन एंड जेस्चर्स। नो, अबेटमेंट कैन नॉट बी कॉज बाई साइन एंड जेस्चर्स। ये होल क्वेश्चन है कि कुछ कंसेप्ट की साइन और जेस्चर्स से, हाव भाव से अबेटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जो अबेटमेंट का डिफिनीशन सेक्शन 45 में नए वाले BNS में दिया हुआ है, आप देखेंगे उस डिफिनीशन को, तो अबेटमेंट ABC तीन तरीके से हो सकता। इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, पहला बाय वे ऑफ इंस्टिगेशन, दूसरा बाय वे ऑफ इंगेजिंग इनटू कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा बाय वे ऑफ इंटेंशनली एडिंग बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन टू द डूइंग ऑफ दैट थिंग। तो ये सिर्फ तीन ही तरीके दिए हुए हैं डिफिनीशन में, और इसी से हमने एक मेंस का क्वेश्चन, हालांकि आप अगर एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ेंगे तो ज़्यादा एक्सप्लिसिट है, उसमें एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा हुआ है कि डूइंग ऑफ एनी थिंग विच फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज ऑल्सो अबेटमेंट। तो सो फार एज मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लूँ लिखने के लिए, Doing of anything which facilitate commission of the offense, तो उसके जरिए भी abatement हो सकता है। कानूनी लहजे में आप देखें, वैसे महाभारत में जब दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हो रहा था तो कृष्ण भगवान अपनी जगह पे ऐसे ताल ठोकते हुए, बाह मजले भैया, बाह मजले भैया, बाह मजले भैया, तो एक तरह से इशारा था कि दुर्योधन की जगह तोड़ दीजिए, जो क्योंकि भीम ने वो प्रतिज्ञा कर रखी थी। तो कानूनी तरीके से अगर आप देखें तो वो हो सकता है अबेटमेंट।
अबेटमेंट उन सिद्धांतों पर आधारित है कि नॉट ओनली द क्राइम अलोन बट इफ यू आर इंस्टिगेटिंग समवन टू कमिट क्राइम तो वो अपने आप में ऑफेंस है। हालांकि अबेटमेंट एक इनक्वेट ऑफेंस है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल ऑफेंडर कोई और होता है, इसमें प्रिंसिपल ऑफेंडर अबेटेड पर्सन होता है। इंग्लिश लॉ में अबेटेड पर्सन को फर्स्ट डिग्री ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्राइम कहते हैं और अबेटर को सेकेंड डिग्री ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्राइम कहते हैं। तो नॉट ओनली द क्राइम बट ऑल दोज हु अबेट्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अबेटमेंट एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है, इसकी सजा दी गई है, बट सब्सटैंटिव ऑफेंस के साथ साथ यह एक इनक्वेट ऑफेंस है। जैसे आप समझिएगा इसको, आप पढ़ेंगे इसमें अबेटमेंट में, ए ने बी को कहा कि सी की हत्या कर दो, बी ने रिफ्यूज कर दिया, तो भी ये अबेटमेंट माना जाएगा। मतलब अबेटमेंट में उकसाना ही अपराध है। सी की हत्या होती है या नहीं होती है, डेट इज टोटली इमेटेरियल। तो जो मोड्स ऑफ कमिटिंग अबेटमेंट है कि अबेटमेंट किन तौर तरीकों से हो सकता, तो वो तौर तरीके तीन ही लिखे हुए हैं 45 के सेक्शन सब सेक्शन 145 के सेक्शन ए 45 के सब सेक्शन ए बी सी में। लेकिन एक्सप्लेनेशन टू में जो लिखा हुआ है कि डूइंग ऑफ एनीथिंग व्हिच फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ क्राइम तो डेट में कंस्टिट्यूट अबेटमेंट, हमने इशारा किसी को किया कि उसे मार दो ऐसे, तो डेट में भी अबेटमेंट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है और अबेटर इज फर्स्ट डिग्री ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्राइम। अबेटर फर्स्ट डिग्री नहीं होता, वो सेकेंड डिग्री होता और अबेटेड पर्सन फर्स्ट डिग्री का होता। इसी से मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, डिफिनीशन ऑफ अबेटमेंट अंडर बीएनएस इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो एग्जॉस्टिव डिफिनीशन हम उसे कहते हैं जो अपने आप में कंप्लीट हो चुकी हो, तीन ही चीज के बारे में बताता है डिफिनीशन में ए बी सी क्लॉज में, बाकी चीजों के बारे में नहीं बताता, तो इसलिए एग्जॉस्टिव नहीं है। बाकी चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है, एनीथिंग विच फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ क्राइम वो अबेटमेंट है। और जो इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ अबेटमेंट इज एन इनक्वेट ऑफेंस, तो अबेटमेंट इनक्वेट, इनक्वेट का मतलब होता है इनकम्प्लीट, तो इनक्वेट इन टू द सेंस ए ने बी को कहा कि सी की आप हत्या कर दीजिए, तो मतलब अबेटमेंट सिर्फ कहने पे हो जाएगा। अगर अबेटर का मेंस दिया है तो ऑफेंस हो जाएगा, इसमें अबेटर ऑफेंस नहीं करता, खुद नहीं करता। He is not the principal player of the principal player of the crime, वो केवल उकसाता है। तो इसलिए जो actual principal of crime जो है इसमें abated person होता, तो इसलिए अगर आपका interview में पूछा गया कि abatement in quiet offense कैसे है, तो आप इसका answer ऐसे दे सकते हैं, because abated does not commit the crime by himself. Therefore, it is an inchoate offense. Meaning बताइए कि incomplete offense complete, जैसे कि बी ने मर्डर किया सी का अपने हाथों से, उसकी मौत, तो that is complete offense. तो abatement inchoate offense की कैटेगरी में आता है, criminal conspiracy भी inchoate offense की कैटेगरी में आता है, और आगे हम लोग दूसरे उसमें देखेंगे और भी क्वेश्चन। कल एक मैं ये सारे क्वेश्चन देखिए, अब मान लीजिए मेंस का ही है कि भाई नॉट एग्जॉस्टिव, अभी से आप कंसेप्चुअल तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप पूरा ही अबेटमेंट का इतिहास भूगोल लिखने लगेंगे, वो एक जनरल आंसर होगा और एवरेज मार्किंग आपकी होगी। आप टू द पॉइंट स्पेसिफिक, अक्सर ऐसा देखा गया है कि मेंस में पूछा गया है कुछ
और बच्चे इन जनरल लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए, बाकी पहले के वीडियोज में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप अगर इस मेंस एंड इंटरव्यू सीरीज को भी अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो एक वक्त जरूर आएगा जब आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो हर लॉ स्टूडेंट तक पहुंच सके और उनके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।